हाई एवरी वन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं स्वाति जितेन कुमार और यहाँ भी एस थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 5 चल रही है लिक्विड स्टेट। ठीक है, जिसमें हमने लिक्विड क्रिस्टल्स और उनका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा तीन तरह से क्लासीफाई किया था। फ्रीडल साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो एक था नेमेटिक और एक था सेमेटिक और एक था कोलेस्ट्रिक। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट अपना डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? तो नेमेटिक जो आपका वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब है थ्रेड, मतलब धागे। ठीक है, तो दीज आर थ्रेड लाइक क्रिस्टल्स, क्योंकि ये थ्रेड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं इसलिए इनका नाम नेमेटिक का। इन विच, जिसमें क्या होता है, ये थ्रेड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज इन पैरेलल सीक्वेंस, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेड्स पैरेलल सीक्वेंस में लगे हुए हैं लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये देखो ये थ्रेड है और पैरेलल सीक्वेंस में लगे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेड्स यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, यानी कि बहुत सारे थ्रेड्स कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल सीक्वेंस में लगे होते हैं एट द सेंटर पोजीशन, और सभी की सेंटर पोजीशन पे, सभी थ्रेड की सेंटर पोजीशन पे क्या होता है, होल होता है। यहाँ देखो सभी थ्रेड की सेंटर पोजीशन पे होल होता है, और ये क्या होता है, सभी थ्रेड लाइक जो आपके लिक्विड क्रिस्टल्स है उनमें सेम पोजीशन पे, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर ही थ्रेड जो होल होता है। ठीक है, तो आपका लिखा हुआ है कि एट द सेंटर पोजीशन, कि सेंटर पोजीशन पे क्या होता है, सभी थ्रेड की सेंटर पोजीशन पे एक होल होता है, और ये होल इट इज एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, ये होल सेम पोजीशन पे होता है सभी थ्रेड्स में। ठीक है, सभी थ्रेड्स में ये आपका एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होता है लाइक दिस। देखो सेम पोजीशन पर है ना सबके, ये देखो सेम पोजीशन पर है इसके और इसके, सभी के सेम पोजीशन में है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में है और सभी के सेम पोजीशन पर है। ठीक है, इट मीन्स दैट दीज क्रिस्टल्स हैव सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको, जब सेम पोजीशन पे ही होल प्रेजेंट है तो ये क्या होगा कि दीज क्रिस्टल्स हैव सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसका मतलब कि इसमें एटम का सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल में एटम्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, और दीज क्रिस्टल्स विल रोटेट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये जो क्रिस्टल है आपके, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो सकते हैं, रोटेट होंगे। इट मीन्स रोटेट होंगे तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट दे हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, का मतलब उनके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी रोटेट होंगे नेमेटिक लिक्विड्स आपके, और जब रोटेट हो रहे हैं इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, एंड देयर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट इज वेरी हाई, और उनका जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एंड इज नियरली 10^5 यूनिट्स ऑफ अ सिंगल थ्रेड। और ये क्या होगा, इट इज नियरली 10^5 यूनिट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, यानी कि एक थ्रेड जो है उसके लिए नियरली कितना हो जाएगा, 10^5 यूनिट होगा। ठीक है, सो दे आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इतना हाईली इनका जब इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है तो एक पर्टिकुलर किसके इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम इसको यूज कर सकते हैं, सो दे आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो आपने जो अभी हमने पढ़ा नेमेटिक लिक्विड्स को क्या है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत पतले होते हैं, और इनमें क्या होता है, पैरेलल सीक्वेंस में लगे होते हैं, और जो होल होता है इनके मिडल में एक होल होता है, और वो होल सभी में सेम पोजीशन पे होता है लाइक दिस। और जो आपका ये, तो जब सेम जगह पे होल है इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि इनमें क्या होगा, एटम्स का एक रेगुलर या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, और ये जो क्रिस्टल्स होंगे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं, तो इसीलिए उनके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट भी होगा, और वो भी बहुत ज्यादा होगा। एक सिंगल होल के सिंगल थ्रेड के लिए भी कितना हो जाएगा, 10^5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और सो दे आर पर्टिकुलरली यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि इनका हाई इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल देखें तो पैरा एजोक्सी एनिसोल इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो इसकी स्ट्रक्चर, पैरा एजोक्सी एनिसोल की स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन रिंग से सीएस3 लगा है आपका, इधर एन, फिर एन एन से ओ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है इधर, यहाँ पे फ्री बेंजीन रिंग OCH3, और ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये था आपका नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है,
ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और डायपोल मोमेंट इनका सबसे ज्यादा होता है। कुछ खास खास जो प्रॉपर्टीज है आप ध्यान रख लीजिएगा, चाहे तो आप पॉइंट में लिख दीजिएगा, अगर आपका ये आता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन, तो आप चाहे पॉइंट्स में लिख सकते हैं चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं अपना सेकेंड टाइप, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। चलिए सेकंड देखते हैं आपका, सेकंड टाइप है आपका लिक्विड क्रिस्टल का स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। सेकंड है आपका स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, और ये जो स्मैक्टिक वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट यानी कि साबुन। ठीक है, तो वहां से लिया गया है। तो इन दिस लिक्विड क्रिस्टल, इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, यानी कि इन दिस लिक्विड क्रिस्टल सॉफ्ट लाइक प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल में क्या होगा, जो साबुन की प्रॉपर्टीज है, सॉप की प्रॉपर्टीज हैं, वो मिलेंगी आपको अगर 200 डिग्री सेल्सियस से अबाउट टेम्परेचर हम कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से अबाउट टेम्परेचर पर ये जो आपका स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स है, ये आपका सॉप की प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है, यानी कि सॉप जैसा बिहेव करता है। दीज लिक्विड क्रिस्टल्स कैन नॉट फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड। ये नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करते इजीली। ये कैसे फ्लो करते हैं, बट दे विल फ्लो इन फॉर्म ऑफ लेयर्स लाइक सोप बबल्स। ये लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं, जैसे सोप बबल्स करते हैं ना फ्लो, एक के बाद एक लेयर बना के चलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं एक साथ फ्लो करते, नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर सकते, ये फ्लो करते हैं बबल की तरह, सोप के बबल्स की तरह लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, दीज क्रिस्टल्स आर हाईली ऑर्डर्ड। ये जो है आपके हाईली ऑर्डर्ड है, बट दे हैव होल्स। ये ऑर्डर तो इनका वैसे ही है सेम जैसे लिमेटिक में था, ऑर्डर हाईली ऑर्डर्ड है, अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, अरेंजमेंट अच्छा है इनका, हाईली ऑर्डर्ड बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, होल्स उसमें एक पे था, एग्जैक्ट मिड पे, मिड पोजिशन पे आपका होल्स था, और सभी में सेम पर था। इसमें भी है तो सेम पर ही, लेकिन एक से ज्यादा पोजिशन पे होल्स होंगे आपके, लाइक दिस। इसमें देखो, इधर भी होल है यहाँ पर, और इधर भी एक होल है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है बट दे हैव होल्स एट मोर देन वन प्लेसेस। ये क्या रखते हैं, होल्स, एक से ज्यादा जगह पे होल रखते हैं। दीज लिक्विड क्रिस्टल्स आर लाइक नेमेटिक क्रिस्टल्स। ये नेमेटिक क्रिस्टल्स की तरह ही होते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक कंडीशन है 200 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे तो ये नेमेटिक लिक्विड की तरह आपके बिहेव करते हैं, लेकिन 200 से ऊपर कैसे बिहेव करते हैं, सोप की तरह, सोप पार्टिकल्स की तरह, जैसे सोप बिहेव करते हैं। ठीक है, सोप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो 200 डिग्री सेल्सियस से ब्लो तो ये काम करते हैं नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह, और 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये काम करते हैं सोप प्रॉपर्टीज की तरह। ठीक है, सोप की तरह। सो इट मीन्स दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका मतलब इट मीन्स दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन नेमेटिक एंड सिमेटिक क्रिस्टल इज कितना हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये जो है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हो रखी है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे, बीच की स्टेट, यानी कि इधर तो आपका क्या है नेमेटिक की तरह काम कर रहा है, अगर इस टेम्परेचर, ये आपका कोई मान लो रेंज है, इस रेंज के इधर तो ये नेमेटिक की तरह काम कर रहा है, इस रेंज से ऊपर ही सोप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी बीच की अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यानी कि बीच वाली पोजिशन पर ये क्या करेगा, स्मैक्टिक में। तो ये क्या हो गया आपकी, इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है नेमेटिक और सिमेटिक क्रिस्टल के बीच में। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसका एक एग्जाम्पल है पैरा एजॉक्सी बेंजोइट, पैरा एजॉक्सी बेंजोइट। ठीक है, उसमें क्या था, पैरा एजॉक्सी एनिसोल, ये पैरा एजॉक्सी बेंजोइट, और इसमें ये स्ट्रक्चर हो गए एक से ज्यादा पोजिशन पे आपके होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मैक्टिक और नेमेटिक में ज्यादा अंतर नहीं है, ये क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे नेमेटिक का ही काम करते हैं, और 200 से ऊपर ही सो बबल्स के सॉप की तरह काम करते हैं, और ये नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर सकते, ये बबल्स की फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में जो है फ्लो करते हैं। इसमें एक से ज्यादा पोजिशन पे होल रहता है, जबकि नेमेटिक में एक ही पोजिशन पे रहता है। नेमेटिक भी हाईली ऑर्डर्ड रहते हैं, उसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, इसमें भी जो आपका ऑर्डर है वो हाईली ही होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर अपने थर्ड टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल का अपना, कॉलेस्प्रिक लिक्विड क्रिस्टल।
कोलेस्ट्रेट लिक्विड क्रिस्टल देखते हैं अपना, तो इन दिस लिक्विड इन दिस क्रिस्टल्स, इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ पैरेलल सीक्वेंस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं इसमें, पैरेलल सीक्वेंस, पैरेलल सीक्वेंस में तो होंगे लाइक देखो देखो पैरेलल सीक्वेंस ही है ना ये इस तरह से पैरेलल है ना, है ना, तो पैरेलल सीक्वेंस में तो होंगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ पैरेलल सीक्वेंस बट दीज क्रिस्टल्स आर हाईली डिसऑर्डर्ड, लेकिन क्या होते हैं डिसऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं कैसे, सो द पोजिशन ऑफ होल्स इन दिस क्रिस्टल्स इज नॉट इन दिस क्रिस्टल इज नॉट एट सेम पोजिशन ऑल द लेयर, ठीक है, ये हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं। इस तरह के क्रिस्टल में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं पैरेलल सीक्वेंस में तो उन दोनों में भी अरेंज हो रहे थे, लेकिन वो क्या थे, ऑर्डर्ड थे, हाईली ऑर्डर्ड थे, लेकिन ये क्या है आपका हाईली डिसऑर्डर्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है जो पोजीशन है होल्स की सभी क्रिस्टल में वो सेम नहीं है, सभी लेयर में सेम नहीं है। देखो इस लेयर में यहाँ होल है, यहाँ होल है, लेकिन दूसरी लेयर में देखे तो यहाँ होल है, ठीक है, इस लेयर में यहाँ है, कहीं भी होल आ रहा है, ठीक है, इस लेयर में यहाँ होल है, ठीक है, तो होल एक से ज्यादा भी है और वो भी कहाँ है, अलग अलग जगह पे, सेम पोजिशन पे नहीं है, तो ये हाईली डिसऑर्डर्ड आपका लिक्विड क्रिस्टल है, क्योंकि इसमें जो सो द पोजिशन, इसलिए पोजिशन ऑफ होल्स इस तरह के क्रिस्टल में जो होल्स की पोजिशन है वो सभी लेयर में सेम पोजिशन नहीं है। दिस क्रिस्टल्स आर कॉमनली नोन है, जिसको कॉमनली नोन दिस क्रिस्टल्स आर कॉमनली नोन फॉर, इस तरह के जो क्रिस्टल है ये जो आपके कॉमनली है वो जाने जाते हैं इसके लिए, फॉर देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये जो क्रिस्टल्स हैं आपके कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, ये सिर्फ अपनी किसके लिए जाने जाते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर हाईली एसिमेट्रिक, क्योंकि ये क्या है आपके हाईली एसिमेट्रिक है, तो ये क्या कर सकते हैं, हाईली एसिमेट्रिक है तो ये क्या कर सकते हैं, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आपके लिक्विड क्रिस्टल है ये क्या है आपके, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पैरेलल सीक्वेंस में तो लगेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, हाईली डिसऑर्डर्ड होंगे। क्यों होगा ऐसा, इसमें होल्स क्या होंगे, अलग अलग पोजीशन में होंगे, सभी लेयर्स में होल्स की पोजीशन सेम नहीं होगी, किसी में होल कहीं होगा, किसी में होल कहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके क्रिस्टल्स हैं इनको कॉमनली हम जानते हैं फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये जो कॉमन है कॉमनली जाने जाते हैं अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि ये हाईली एसिमेट्रिक होते हैं, इसीलिए ये पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोइट, ठीक है, जिसका अभी हमने देखा भी था, किसने स्टडी किया था ये और किसके लिए यूज किया था, हमने लिक्विड क्रिस्टल के लिए स्टडी किया था, जब हमने ये बताया था कि जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड क्रिस्टल की वो नंबर ऑफ सॉरी अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड ही नहीं करते, तो उसके बाद रिनिटजर ने ये प्रूव किया था इस अपने सॉलिड क्रिस्टल को लेकर, ठीक है। तो ये आपका है पैरा कोलेस्ट्राइल बेंजोइट, जिसका फॉर्मूला है आपका C6H5C00C25H45, और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, डिसऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगी इसकी, क्योंकि हाईली डिसऑर्डर्ड लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए। अब जो आपका क्लासिफिकेशन था लिक्विड क्रिस्टल्स का वो तो खत्म हो गया, ठीक है, तीन ही तरह के थे आपकी, नेमेटिक और सेमेटिक और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, इन सभी तीनों की एप्लीकेशन एक साथ देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन पहले इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं एप्लीकेशन के साइड। चलिए हम आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पर, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की। एप्लीकेशन जो आपका नेमेटिक क्रिस्टल्स हैं वो यूज होते हैं द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस, ये हमने पढ़ा था। जो नेमेटिक क्रिस्टल्स होते हैं वो यूज होते हैं किसमें, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डिवाइस बनाने के लिए हम नेमेटिक क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं उनका यूज, क्योंकि उनका जो डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से हम इनका यूज करते हैं। सो दे आर यूज इन कैलकुलेटर रिस्ट वॉचेस, तो इनका यूज कहाँ हो सकता है आपका, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डिवाइसेस में। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डिवाइस कौन से हो सकते हैं, कैलकुलेटर हो गया, रिस्ट वॉचेस हो गया, ठीक है, इस तरह से।
तो जो जो आपका नेमेटिक क्रिस्टल्स है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डिवाइस बनाने के लिए, क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रखते हैं, इसलिए हम उनका यूज करते हैं कैलकुलेटर रिस्क वॉचेस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो यूज किए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। जो ट्यूमर होता है, जो ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर होते हैं, बीमारी होती है ट्यूमर, उसका डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल का। तो लिक्विड क्रिस्टल को हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर का डिटेक्शन करने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। एंड इट इज यूज अंडर द नेम ऑफ, और इसको जब हम यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को जब हम यूज करते हैं ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी हो जाता है, उसका नाम हो जाता है थर्मोग्राफी। इसका नाम हो जाता है थर्मोग्राफी, थर्मोग्राफी। ठीक है, जब भी ट्यूमर के डिटेक्शन में, ह्यूमन बॉडी की ट्यूमर की डिटेक्शन में आप लिक्विड क्रिस्टल का यूज कर रहे होंगे, तब उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है थर्मोग्राफी। और अब जो आपका है सिमेक्टिक क्रिस्टल, जो सिमेक्टिक क्रिस्टल है वो किसी में यूज होता है, इन मेकिंग सोप्स। आपने भी देखा इनकी जो ये जो होते हैं सोप के जैसे होते हैं, बबल्स की तरह ही लेयर में फ्लो करते हैं, तो हम इनका यूज कहाँ करते हैं, सिमेक्टिक क्रिस्टल्स का यूज करते हैं सोप बनाने के लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही सोप जैसी है। आपने देखा था इनका 200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कर दीजिए और ये सोप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लाइक सोप। ठीक है, सोप की तरह बिहेव करेंगे कब, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 200 डिग्री सेल्सियस से जब आप ऊपर करोगे, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, सोप की तरह काम करेंगे। तो हमने इसलिए इनका यूज कर लेते हैं सोप बनाने के लिए। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं आपके आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ कंपोनेंट। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ कंपोनेंट। लिक्विड क्रिस्टल का यूज भी किया जाता है किसमें, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। तो हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जाता है। तो सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है कौन, लिक्विड क्रिस्टल जितने भी हैं वो सारे कैसे करेंगे, आपका सॉल्वेंट की तरह भी काम करेंगे टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ कंपोनेंट। इनके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व हो सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, सॉल्वेंट की तरह भी काम करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अ नंबर ऑफ कंपोनेंट आप डिसॉल्व कर सकते हो। अब जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड्स हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो अभी देखा आपने, जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो जाने जाते हैं फॉर देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उनकी हाई होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। वो क्या है, हाईली एसिमेट्रिक होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पीपीएल को रोटेट कर देते हैं। पीपीएल को रोटेट करने की वजह से क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो उसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज करते हैं किसलिए, किसमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो आपने तीनों का देखा, नेमेटिक किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक डिवाइसेस में, और जो सिमेक्टिक है वो किसमें यूज होगा, सोप बनाने में, और कोलेस्ट्रिक जो लिक्विड है वो यूज होगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। और अगर इनकी ओवरऑल सबकी प्रॉपर्टीज देखें तो सारे लिक्विड एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे और अपने अंदर नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट डिजोल्व भी कराते हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विड जितने भी होंगे, जो लिक्विड है और लिक्विड क्रिस्टल, उनका हम यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, तब हम इसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं इस ब्रांच को, थर्मोग्राफी, थर्मोग्राफी के तहत करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, और इसके साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल भी खत्म होता है और एप्लीकेशन वाला पार्ट भी खत्म होता है लिक्विड क्रिस्टल का, और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 5 भी फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आपकी यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए।